and then I came to the salon for my hair look change. So अभी थोड़ा सा और चेंज होना बाकी है, so let's see what I gonna do. Stay tuned for my new look. Though my hair color is new, highlights is very new, and I came here for the root toucher. So it's a salon in Sector 19, Amrahi, and yes, the name is Drop and Dew. So you guys can also visit to this place. And my experience is good with the staff and all. So yes, you can also explore. Thank you. So curls is in the process. Hey guys, welcome to my blog Why with Anshu Roy. So yes, after so long I'm in salon, so this is my new hair color look which I thought to share with you all. And yes, birthday is upcoming, so I thought to, you know, pamper myself a bit. So aap batana, aapko ye hair kaisa laga? एंड मैंने सारा कुछ करवा के सोचा आपको दिखाने का, सीरियसली, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था और ब्लॉगिंग का मन नहीं था, काफ़ी कॉल्स आ रहे थे. सो यस, चलो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा मेरा है. और मैंने थोड़ा सा, यू नो, कर्ल्स भी रखा है क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ नाइट में पार्टी वार्टी करने का, तो मैंने सोचा ये कर्ल्स लुक अच्छा लगेगा. सो आप बताना कि कैसा लग रहा है ये. सो दिस इज माय लुक. And trying some new nail pen color. So आप बताना आपको कैसा लग रहा है. और ये देखो स्वीट सी, इसका नेम क्या है? क्या नाम है आपका? दे आई एम मीटिंग दिस क्यूट सी बेबी. स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो आप? हाँ जाते हो. कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? कौन से क्लास में? उतर के लिए अभी जाना शुरू कर रहा है ना. किस करो? अरे वाह, ये तो स्वीट सा कैसे देती है. और ये देखो हमारे लाइक पे, ओह माय गॉड, जैकी को मुझे नहीं खाने. आओगे गोदी में? इसको सब पता है. आपके पास नहीं है? नहीं. ओके सर, सबको बाय कर दो. जोर से बोलो बाय. ऐसे बोलो. चलो बाय कर दो सबको. बाय गाइस बोलो. सो क्यूट. चलो मैं नहीं जा रही हूँ. ओके नानी पास आ रही. जैकी तो पूरा ही परेशान हो रहा है. सो गाइज, बारिश का मौसम है और हमें मन कर रहा था समोसा और जलेबी खाने का. सो यहाँ देखो सारे लोग खड़े हैं खाने के लिए, और ये देखो मस्त सी बारिश हो रही है. एंड यहाँ मैं ऐसे उठ के आ गई हूँ, एक्चुअली अभी काम कर रहे थे बट ना बारिश इतनी हो रही थी कि हम घर पे आ गए. और आने के बाद मन के कुछ, यू नो, चटपटा खाते हैं. दो आई एम नॉट इन टू समोसा एट ऑल, बट आज मन कर रहा है. सो कभी कभी खा लेना चाहिए, राइट? Irrespective of your diet schedule and whatever you eat on daily basis, you can ignore sometimes. So yes, wait कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ देखो भीड़ अभी भी आपको दिख नहीं रहा है ना, हमने सारा कवर कर रखा है, पूरी बारिश से हो रखी है. ये देखो बस सारे लोग यहाँ भीग भीग के समोसा खाने आए हैं. हमारा समोसा भी आ गया है. थैंक यू भैया. कितना हुआ? 150. ठीक है ये लो. सो मौसम को देखते हुए हमारा मन कर गया था समोसा खाने का, और इतने सारे समोसा हमने लाए हैं विद चाय. ये हमारा बेसन का चिप्स जो मुझे बहुत पसंद है, चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, एंड जलेबी काफ़ी टाइम के बाद. सो चलो गाइस खाते हैं. आप भी इंजॉय करो बारिश के मौसम को, और बारिश और क्या, जुलाई का महीना, सावन का महीना है. सो अच्छे से इंजॉय करो इस बरसात के मौसम को, और बहुत सारा समोसा और जलेबी आप भी इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ. एंड दिस इज़ माई मिड नाइट क्रेविंग्स, जिसमें काफ़ी सारा बर्गर्स, मैकपो ऑर्डर करा है मैंने,
सो चलो गाइस खाते हैं एंड इसके साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। काफ़ी दिन से ब्लॉग चल रहा है सो मैंने सोचा इसको एंड करते हैं। आप प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय। आप भी एंजॉय करो अपना डे ना।